26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। प्रधानमंत्री जी के विकास में विश्वास जताया है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है भाजपा और एनडीए ने। 2025 के चुनाव का यह संकेत है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ेगी एनडीए। और झारखंड में जो हार हुई है, हार तो नहीं कह सकते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारी नई सीटों को हम जीते हैं और पुरानी सीटें हम अच्छी संख्या में उसको हम जीत नहीं पाए हैं। बिहार में 4 सीटों के इस उपचुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं और साथ ही साथ झारखंड में जो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसको लेकर केंद्रीय गृहराज मंत्री नित्यानंद राय ने अपनी बातों को कहा है और झारखंड में क्यों हारे इसको लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जो 4 सीटें उपचुनाव की जीते हैं उसको लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है, लेकिन महाराष्ट्र में भी प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार भी मिली है। क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने, आप खुद सुनिए। बहुत बेहतर जीत मिली है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा जो उनके भगीरथ प्रयास के कारण देश के गांव गांव घर घर जन जन तक पहुंच रही है उसका असर है। इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास में विश्वास जताया है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है भाजपा और एनडीए ने। और जितने भी उपचुनाव हैं उसमें देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपार जीत हासिल की है, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। बिहार में चारों की चारों सीट एनडीए जीती है। प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने घर घर तक पहुंचाया है। लोगों ने बिहार में भी माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को काफ़ी सराहा और उसमें विश्वास जताया और चारों की चारों सीट एनडीए जीती। जो सीटें एनडीए के पास नहीं भी थी, आरजेडी के पास और माले के पास थी, उसको भी एनडीए ने जीता है। और 2025 के चुनाव का यह संकेत है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ेगी एनडीए और 50 वर्षों का 60 वर्षों का इतिहास जो अब तक किसी गठबंधन को उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है, उतनी बड़ी जीत एनडीए 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में सीटें जीतकर आएगी। देखिए, हार झारखंड में जो हार हुई है, हार तो नहीं कह सकते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारी नई सीटों को हम जीते हैं और पुरानी सीटें हम अच्छी संख्या में उसको हम जीत नहीं पाए हैं, जीते जरूर है उस सीटों पर भी, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय विधायक के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल था उसके कारण वहाँ हम पीछे रह गए हैं। लेकिन विश्वास है कि वहाँ जो जिस प्रकार से झूठे वादों को लेकर और जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति के कारण झारखंड को तबाही मिली है, वह तबाही को हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष में रहकर भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो शिबू सोरेन की सरकार बनेगी उसके खिलाफ हम झारखंड के हित के लिए और नरेंद्र मोदी जी के विकास का लाभ भी झारखंड को मिले इसका प्रयास करेंगे। और तुष्टिकरण और जो वहाँ घुसपैठियों को बढ़ावा देकर झारखंड के भविष्य को बर्बाद करने की तैयारी जो है शिबू सोरेन की, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है 1,00,000 युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे उनका दूरदृष्टिकोण होता है। युवाओं को प्राथमिकता देना माननीय प्रधानमंत्री जी
के संकल्प में है, सपना में है। आप देखो, देखिए होंगे कि इस 10-10.5 वर्षों में युवाओं को प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और युवा का मतलब ही है कि किसान भी युवा हो सकता है, हमारी माँ बहनें भी उस उम्र की होती हैं, हमारी वह बहनें भी अपने इस युवा की अवस्था में बहुत सारी जीत को हासिल करती है और अवसर को ढूंढकर सफलता प्राप्त करती है। तो और आज युवा देश कहा जाता है, भारत को दुनिया में युवा देश भारत इसलिए कहा जाता है कि देश की आज़ादी का लगभग देश की आबादी का लगभग 58-59% युवा है। और यह युवा शक्ति ऐसी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनका जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिस विकसित भारत में प्रति व्यक्ति आए दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत को का हो, यह युवा शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में और उनके सपनों को साकार करने में, संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की आवश्यकता है और युवा ही इस देश को नए युग में ले जाकर विकसित भारत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपनों को पूरा करने का सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखता है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है, बिहार में 25 में हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, देखिए ये तो ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है जो बिल्कुल बिहार की राजनीति की ना समझदारी रखता हो। अब बताइए, सुपड़ा साफ हो गया उनका, उनकी अपनी सीट जो थी वह एनडीए के झोली में चला गया, एनडीए चारों की चारों सीट जीत गई और अभी भी अहंकार में है। तेजस्वी जी चिंता मत कीजिए, 2025 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आपको जब से आरजेडी राजनीति में आई है तब से अभी तक जो जातवाद और परिवारवाद के आधार पर उन्होंने जो जंगल राज स्थापित किया है, जिसको बिहार की जनता समझी है और इनकार कर चुकी है, अब तक आरजेडी को जितनी सीटें मिली है विगत चुनावों में, उसमें सबसे कम सीट 2025 में उनको मिलने वाला है। हमको तो लगता है कि 2-4-5-10 सीटें में आरजेडी सिमट जाएगी 2025 के चुनाव में।